मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का 28 अप्रैल को जबलपुर आगमन हुआ। इस दौरान भाजपा जनप्रतिनिधियों और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा गृह मंत्री का भव्य स्वागत सत्कार किया गया। वहीं नगर आगमन के बाद गृह मंत्री द्वारा एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया। इस पत्रकार वार्ता में गृह मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी जहर भुजी बातों का ही परिणाम भुगत रही है। वहीं दिग्विजय सिंह की कांग्रेस जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि पूर्व में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए और अब यही हो रहा है। गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार की तुलना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सली पुलिस और हॉक फोर्स को मार रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में हॉक फोर्स की टीम नक्सलियों को मार रही है। यही फर्क है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार में। इतनी जहर भुजी बातें खड़गे जी ने जो की है, इतना जहर लाते कहां से है? क्या 10 जनपद पे रिचार्ज कराने जाते हैं? इसी बोलने के कारण से इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अभी सब जगह से भागे भागे अदालतों के चक्कर लगा रहे। इसी जहर बुझी बातें बोलने के कारण से दिग्विजय सिंह पर कल आरोप तय हुए हैं। इसी जहर बुझी बातों को मौत का सौदागर गुजरात के अंदर सोनिया गांधी जी ने बोला था, वो परिणाम भुगत चुके हैं। और अब इस तरह की बात का परिणाम खड़गे जी भी कर्नाटक में बहुत जल्दी भुगतेंगे। मई आने वाली है, प्रतीक्षा करें। देखो, आप ये बात बताओ मेरे को, रोज उनकी चर्चा कर देते हो, ऐसा व्यक्ति जो आरोप लगा रहा है वो आरोप इसलिए लगाता है कि आप लोग उसे चर्चा में लाते हो। एकमात्र मध्य प्रदेश का ऐसा नेता है जिसको सुनने के लिए कभी जनता नहीं आती। आपने 10 साल में दिग्विजय सिंह की कोई सभा देखी हो तो बताओ? किसी ने भी नहीं। वो कांग्रेस जोड़ो अभियान पे निकले ऐसा उनने कहा था कल नीमच के अंदर, रतलाम या नीमच में। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो पे निकले थे तब मैंने कहा था कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालो भाइयों, गलत कर रहे हो जी। अब वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा खुद कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। आप इससे अंदाज कर सकते हैं कि दिग्विजय सिंह की स्थिति क्या है। अगर वो ऐसे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करेंगे तो फिर उन्हें पूछेगा कौन?